आज की क्लास हमारी चैप्टर 5 हम आज आगे मूव करते हैं। हमने बेसिक चीजें पढ़ रही थी, थोड़ा सा हम चीजों को रिवाइज करते हैं। अटेंशन, सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नहीं, वो सिस्टम की डेफिनेशन हो सकती है आपकी, कि इनपुट को प्रोसेस करे एंड आउटपुट दे, वो सिस्टम होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड, आ जाओ उसे देखते हैं, जो हमारे आईटी इक्विपमेंट हैं उनका क्या कहते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? आईटी कंप्यूटर रिलेटेड जितने इक्विपमेंट हैं, जब हम उनको कहते हैं, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सिस्टम में क्या होता है? कंबाइन हो जाती है टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन बीइंग। अकेला टेक्नोलॉजी जो है वो सिस्टम नहीं होता पूरा, लेकिन जो तो टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी सिस्टम नहीं बनती जब तक, क्यों? अच्छा, नंबर वन मसला क्या होता है कि टेक्नोलॉजी सिस्टम क्यों नहीं बन सकती? अभी तक जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको बहरहाल कहीं ना कहीं पे ह्यूमन इनपुट की जरूरत होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी इंप्रूव कर रही है, चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि वो सेल्फ डायरेक्टिव हो जाए, मतलब सारा कुछ खुद करने के काबिल हो जाए, एनालाइज भी खुद करे, उसके अंदर इमोशंस भी हों, उसके अंदर इंटेलिजेंस भी मौजूद हो। अभी तक इस लेवल पे नहीं पहुंची कि वो इंसानों से आजाद हो जाए। जिस दिन इस लेवल पे पहुंच जाएगी, उस दिन फिर दुनिया का एंड हो जाना है, ठीक है। जब उसके अंदर खुद सोचने समझने की सलाहियत आ गई, जो हमारे हालात है, तो सबसे पहले तो उसने आके हमें लेतर फेरने के, ये आप कर क्या रहे हो। जाहिर सी बात है, अब उसके अंदर तो नेगेटिव चीजें नहीं होनी इतनी जितनी कि हमारे अंदर है। अभी मूवीज आप सारे देखते हैं, ऐसी बात है, ट्रांसफॉर्मर देखी हुई है, इसी तरह जो मूवी है एक टर्मिनेटर, ये क्या है बेसिकली, ये इसी चीज के ऊपर ही तो बेस कर रही है। हालांकि टर्मिनेटर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसी चीज के ऊपर बेस करती है, कि उसमें टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड कर लेती है इस चीज को कि ये लोग वैसे भी नुकसान कर रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क करो। तो लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहरहाल इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, जिस दिन वो होगी उस दिन फिर जो है हम नहीं रहेंगे, और हमारा जो है वो बेसिकली इस तरह का यूज जो है वो नहीं रहना। अच्छा जी, कल हमने फिर कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ा। कंप्यूटर सिस्टम को हमने क्या कहा था कि भाई एक ऐसा सिस्टम जिसके तीन चार कंपोनेंट होते हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। पहला हमने पढ़ा इनपुट क्या होता है, ये वो सिस्टम या वो डिवाइसेस होती हैं या ये वो चीज होती है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। ये बेसिकली एक कंपोनेंट है, एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है। इनपुट से मुराद डिवाइस नहीं है, इनपुट से मुराद क्या है, इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करना। तो अब इनपुट कई तरीकों से दी जा सकती है, कोई दो चार एग्जाम्पल दो यार मुझे। कीबोर्ड हो गया, शाबाश, कीबोर्ड किस तरह की इनपुट देने के लिए यूज होता है? टाइपिंग बाय वर्ड वगैरह जो होता है। दूसरा कोई और, स्कैनर किस तरह की इनपुट के लिए यूज होता है? इनपुट किस तरह की होती है वो, मतलब जिस तरह माइक है ये वॉइस इनपुट दे रहा है, कीबोर्ड है ये डिजिट या वर्ड की इनपुट देता है, माउस है ये स्कैनर इनपुट होता है, आउटपुट प्रिंटर होता है, पिक्टोरियल पिक्टोरियल इनपुट देता है, स्कैन क्या करता है, तस्वीर उसकी स्कैन करके आपको दे देता है, स्कैनर जो है वो पिक्टोरियल इनपुट दे रहा होता है। इसी तरह सीपीयू क्या होता है बेटा, ये वो क्या कहते हैं, ब्रेन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। तो आपका एक जो क्वेश्चन था कि हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होता है वो प्रोसेस्ड होता है या अनप्रोसेस्ड होता है, तो क्या होता है वो डेटा, वो प्रोसेस डेटा होता है, वो किसी ना किसी ऐसी शेप में मौजूद होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर से उसको चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, उसको सीपीयू कहा जाता है। आउटपुट क्या होता है बेटा, ये वो डिवाइसेस होती हैं या डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइसेस को कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइसेस नहीं डिस्कस कर रहे बेटा, बेसिकली आउटपुट डिस्कस कर रहे हैं। क्या है कि भैया जो
प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, उनका जो रिजल्ट हमारे सामने आता है उसको आउटपुट कहते हैं। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। स्पीकर कौन सी किस किस्म के आउटपुट देता है? वॉइस ऑडियो आउटपुट देता होता है। और प्रिंटर किस तरह की देता है? प्रिंटेड फॉर्म में पेजेस जो होते हैं, हाँ, रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आउटपुट देता है। स्क्रीन किस तरह की देती है? विजुअल आउटपुट देती है। शाबाश। तो ये कुछ आउटपुट के तरीकाकार है, ये हमारे सामने प्रोसेस इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, हम इसको यूज कर रहे हैं, ये आउटपुट की फॉर्म मौजूद है। एंड स्टोरेज क्या होती है बेटा? ये एक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जिसके अंदर वो एक्सेस डेटा जो होता है, जो उसके पास फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, वहां पे उसको स्टोर करता है, उसको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। तो हमने मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस देखी थी, आज हम इनपुट डिवाइसेस को फिर देखते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड क्या है, हमें पता है, कॉमन डिवाइस है, किस लिए यूज होती है, हर कंप्यूटर सिस्टम में नॉर्मली होती है, ये स्टैंड अलोन भी होती है और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद अ केबल और थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन। क्या होता है, कीबोर्ड्स कैन बी स्टैंड अलोन एंड कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद अ केबल और थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन और दे माइट बी इंटीग्रेटेड इनटू कंप्यूटर इटसेल्फ सच एज विद लैपटॉप और नोटबुक। ठीक है, बाज़ुकात क्या होता है कि जहां पे कीबोर्ड जो है वो वायरलेस भी होते हैं, ब्लूटूथ कीबोर्ड आपको पता है, जिस तरह ये हमारे पास ब्लूटूथ माउस है, इसकी कोई केबल चेबल नहीं है, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड भी होते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेटेड भी होते हैं, लैपटॉप के अंदर ये इंटीग्रेटेड है, इसका सेपरेट यहाँ पे कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। स्टैंड अलोन से मुराद होता है बेटा अलहदा इंडिविजुअल यूनिट होना, स्टैंड अलोन भी ये हो सकता है, मतलब इसका यह है कि ये किसी इस तरह की चीज इस कंप्यूटर को भी इनपुट दे सकता है जिसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन मौजूद ना हो, स्टैंड अलोन के तौर पर भी काम कर सकता है। अब कीबोर्ड से मुराद ये नहीं होता, कीबोर्ड क्या ये कीबोर्ड है, सिर्फ यही कीबोर्ड है? कीबोर्ड की क्या डेफिनेशन में कहीं लिखा है कि इस तरह का नजर आने वाला जो होगा वो कीबोर्ड होगा? कीबोर्ड से मुराद कोई भी ऐसी डिवाइस जो इस तरह की इनपुट दे सके, जिस तरह के हमारे मोबाइल होते हैं उनका कीबोर्ड ऐसा होता है जिसको हम कीपैड कहते हैं, वो भी तो कीबोर्ड ही है। कई तरह के होते थे जिसके, मतलब वो एक तो वो पुराने होते थे ना, वो जिनमें चार चार बार दबा के जेल आते थे, केल आते थे, वो भाई वो मतलब अवाम की अजीब उस पर प्रैक्टिस लगे हुए, वो कैसे कर लेते थे मुझे तो आज तक नहीं समझ आई, मेरी बिल्कुल भी नहीं, मेरी आज भी नहीं है, मुझे तो आज भी मैसेज टाइप करने पड़े, चार पांच बार गलतियां होती है, ऑटो करेक्शन होती है, फिर जाके चीज सेट होती है। फिर बाद में कौन से मोबाइल आए जिसके अंदर वो दूसरा कीबोर्ड टाइप पूरा होता था, मतलब ब्लैकबेरी के आए थे, इस तरह नोकिया के एक दो मोबाइल आए थे जिसके अंदर पूरा कीबोर्ड होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, टच स्क्रीन आई जिसके अंदर ये वाले कीबोर्ड होते थे मुख्तलिफ तरह के। तो ये कीबोर्ड उस डिवाइस को कहा जाता है, ये कीबोर्ड नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड एक जनरल टर्म है, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके जरिए हम इस तरह का डाटा जो है पंच करके दे सकते हैं उसको कीबोर्ड कहा जाता है। अच्छा जी, टच सेंसिटिव स्क्रीन हमें पता है, टच पैड्स वगैरह, टच पैड किसको कहते हैं, ये टच पैड, ठीक है, ये जिस तरह ये माउस है बेसिकली ये भी एक टच पैड है। तो लिहाजा टच सेंसिटिव स्क्रीन एंड टच पैड्स आर रिसेंट ट्रेंड हैज बीन टूवर्ड इंटीग्रेटिंग द कीबोर्ड इन टू टच सेंसिटिव स्क्रीन। तो ये रिसेंटली जो है अपडेट के साथ, डेवलपमेंट के साथ, ये उसके साथ आया। अब अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। ये क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो मैग्नेट इंक, आपने कभी सुना मैग्नेट इंक क्या होती है, कभी देखी है बेटा? ये एक स्पेसिफिक इंक होती है जिसको रीड किया जा सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जब आई कैप में पेपर देने जाते हो, कभी दिया आपने? अभी तक आपने नहीं दिया होगा। अच्छा, एंट्री टेस्ट दिया हुआ है, वहां पे आप अपना रोल नंबर और नाम कैसे फिल करते थे, क्या लिखते थे या वो डॉट होते थे? डॉट में फिल करते थे ना, हमारे दौर में नहीं था, हमारे दौर में एंट्री टेस्ट में ही होता था, एनटीएस में भी ऐसा होता है, डॉट में फिल करते होते थे। वो आपसे सीधा सीधा नाम लिखवा क्यों नहीं लेते थे, डॉट में फिल क्यों कराते थे, क्या रीजन होगी इसकी? मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ ज्यादा मजे का है, यूं कौन बैठ के देखे गिनती पड़े जी, यहाँ पे जी आर है, यहाँ पे ए आर है, यहाँ पे एस आर है, ये तो बड़ा उल्टा खपत वाला काम है। कंप्यूटर क्या पेपर चेक करता है भाई? कंप्यूटर पेपर चेक नहीं करता होता, कभी वो कैसे कर सकते हैं? हमारी राइटिंग हमें नहीं समझ आती, कंप्यूटर को क्या हक समझ आएगी? कंप्यूटर पेपर चेक नहीं करता कहीं पे भी, ये हमारी सोच गलत है। एमसीक्यू बेस्ड जस्ट वो करता है,
क्योंकि वो तो टिक मार्क को तो हम भी बना लेते होते हैं, तो हमारे भी एमसीक्यू बेस चेक हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो पेपर होते हैं मार्किंग वाले, कंप्यूटर चेक नहीं करता, ये टीचर ही चेक कर रहे होते हैं। तो फिर वो डॉट क्यों बनवाते हैं आपसे, मतलब इसमें उनकी कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है या बेहतर कैसे हो सकते हैं? सिंपल नाम लिखा हुआ ज्यादा अच्छा होता है। हाँ जी, अच्छा अब उसमें होता क्या है बेटा, बेसिकली उसमें होता क्या है बच्चा कि वो जो हमारी शीट होती है, ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। जब भी आपका पेपर एग्जामिनर के पास चेक होने जाता है, क्या उसके ऊपर आपका नाम लिखा हो जाएगा? आपको पता है आपका नाम कभी भी नहीं एग्जामिनर को पता होता कि वो किसका पेपर चेक कर रहा है। तो जो पेपर उसके पास जाता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? उसके ऊपर जस्ट एक कोड होता है, ये कोड लिखा होता है। ये कोड क्या होता है बेसिकली, अब मैं आपको समझाता हूं कि होता कैसे है। जब हमारा नाम वाला पेज होता है उसके ऊपर हमेशा लिखा होता है कि इसके ऊपर इसकी बैक साइड पे कुछ नहीं लिखना, ऐसा होता है ना, पक्की बात है। होता क्या है कि जब एग्जामिनर के पास जाता है, एग्जामिनर उस पेज को फाड़ लेता है और क्या करता है, उस पेज के ऊपर भी नंबर लिख देता है ये वाला, और जो अगली कॉपी होती है उसके ऊपर भी ये नंबर लिख देता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉपी चेक होने चली जाती है, जब चेक होके वापस आती है तो फिर इसी नंबर का जो दूसरा नेम शीट होती है वो निकाली जाती है और फिर उसी नाम के अगेंस्ट में उसके मार्क से लिख दिए जाते हैं। ये एक सिक्योरिटी मेजर है, लेकिन ये एक बड़ा लंबा काम है कि क्यों, इसमें अंदर ह्यूमन इन्वॉल्व है, इसके अंदर एरर का चांस हो सकता है, इसके अंदर मिसप्लेसमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करते हैं कि वो डॉट वाले जो होते हैं वो पेपर बनाएगा, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ हम पेज जो है, एक प्रोग्रामिंग होती है बकायदा, इसके स्कैनर होते हैं, हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर, अब वहां पे जाके देखेंगे इसको क्या होता है कि ये पेज स्कैनर को दिया जाता है, कंप्यूटर खुद स्कैन करता है उन डॉट्स को, जो जो डॉट्स फिल होंगे उस हिसाब से वो खुद एनालाइज कर लेगा कि इस बंदे का नाम क्या है। क्यों, पहले नेम पहले लाइन में उसको पता है कि जी 15 डॉट है, उसके अंदर तीसरा डॉट अगर फिल है तो यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा होगा, चौथा फिल है तो कौन सा होगा, खुद ही वो नाम एनालाइज करता है, खुद ही वो नंबर रैंडम जनरेट करता है, खुद ही कॉपीज को नंबर अलॉट करता है और वो नंबर आगे दे देता है। जब वो कॉपी चेक हो गया कि आप कंप्यूटर में सिंपल वो नंबर डायल करेंगे, आपके सामने वो बंदे का नाम आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, आप वहां पे नंबर पुट कर सकते हैं उसके। तो चेक कंप्यूटर नहीं कर रहा होता। अच्छा अब वहां पे क्या हुआ, वो जो डॉट होते हैं वो स्कैन कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब आप कह सकते हैं जी डॉट क्यों स्कैन कर रहा है, वहां पे आप अपना नाम लिख दो और वो नाम स्कैन कर ले, नाम वो नहीं स्कैन कर सकता ना, जारी बात है हमारी राइटिंग हमें नहीं समझ आती तो उसको कैसे समझ आएगी। अब जहां पे पूरी स्टेटमेंट लिखनी है या कोई इस तरह की चीज है, हिडन कोड्स है, वो जब हमने लिखने हैं वो हम उस तरह की एक आम से ऐसे फिल नहीं कर सकते, इसके लिए एक मैग्नेट इंक यूज होती है, उसके अंदर हमारा तमाम डेटा होता है। मिसाल के तौर पर आप में से एटीएम किस किसने यूज किया हुआ है, कभी देखा है जिंदगी में, देखा हो कभी, और कभी 100 का नोट भी देखा हो जिंदगी में? अच्छा माशाल्लाह, हाथ चुमो भाई, इसके हाथ चुमो। अच्छा जी, इसके पीछे ये ब्लैक पट्टी नजर आ रही है आपको, ये बेसिकली मैग्नेट इंक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? जब हम एटीएम उसके अंदर डालते हैं, एटीएम मशीन के अंदर, आपके ख्याल में क्या वो पूरा ये कार्ड स्कैन करता है? नहीं, वो सिर्फ इस इंक को स्कैन करता है, ये मैग्नेट इंक है, इस इंक को स्कैन करता है, इसके अंदर हमारी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, हमारे कार्ड की, हमारे अकाउंट नंबर की, हमारे बैलेंसेस की, सारे लिंक्स मौजूद होंगे, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होगा। वो जो ग्रीन ग्रीन सी बत्ती जल रही होती है, बेसिकली वो मैग्नेट रीडर होता है, मैग्नेटिक इंक रीडर जो होता है वो क्या करता है, ये मैग्नेटिक इंक है, ये आम इंक से नहीं लाइन लगी हुई, हमें लगता है कि जैसे वो क्या कहते हैं नाम लिख के ऊपर वो उसको मिटाने के लिए हम एक वो फेर देते होते हैं हाइलाइटर वगैरह, वो क्या हुआ है, वो नहीं है, ये एक पूरी इंक है। अच्छा इसी तरह चेक देखा आपने कभी, उसके नीचे वो अजीब अजीब से वर्ड लिखे होते हैं, हाँ वो भी मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, वो चेक भी स्कैन होता होता है, वो वर्ड जो है वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। अब आपके ख्याल में ऐसा नहीं होता कि वो चेक की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, जिस तरह हम क्या करते हैं, हमने कोई नोट जो है उसको चेक करना है असल है या गलत है, हमने यूं करके देखना है, तार नजर आ रही है, उसके बाद थूक लगाना है, रगड़ रगड़ के इसको देखना है जी कपड़ों पे रंग उतरता है या नहीं उतरता है, ठीक है, फिर उसके बाद यूं करना है जी ये खुरदरा या नहीं है,
चेक भी वो, अब जाहिर बात है कैशियर ये करने बैठ गया भाई, फिर तो हो गया ना कि भाई पहले उसको रोशनी में करे, इधर उधर फिर नंबर चेक करे, इसका सिंपल उनके पास स्कैनर होता है, वो चेक उसमें रखते हैं, अगला उसके ऊपर मैग्नेटिक इंक रीड करता है और उसके बाद बता देता है जी ये जेन्युइन है या नहीं है, इसका रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है या नहीं है। तो लिहाजा ये इस डिवाइस को, वो जो डिवाइस होती है, वो जो स्कैनर होता है, वो बेसिकली क्या इनपुट दे रहा होता है, वो मैग्नेटिक इंक को रीड करके उसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करता है या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, MICR। समझ आ गई बात, क्लियर है बच्चा? अच्छा, उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ये क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल मार्क रीडर सिमिलर टू MICR होता है, MICR की तरह ही है, लेकिन ये क्या होता है इज दैट इट इज एन ऑटोमेटेड इनपुट मेथड। OMR इन्वॉल्व मार्किंग अ प्री प्रिंटेड फॉर्म विद अ पेन और टाइप लाइन। ये एक पहले हमारे पास प्री प्रिंटेड फॉर्म होता है, हम जस्ट उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, मार्क करते हैं, मार्क करने के बाद क्या होता है उसको दोबारा कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम स्कैन करके उसका रिजल्ट दे देता है। सही, मतलब अगर यही MCQs मैं आपसे लेना चाहता हूं प्रिंटेड फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा उसको प्रिंटेड फॉर्म में निकालूंगा, आपको कहूंगा कि जो आप जो सर्कल आपको, अच्छा वो MCQs आपने दिए हुए ना जहां पे सर्कल फिल करना होता था, मतलब उन्होंने मना किया होता था, आपने टिक नहीं लगाना, क्रॉस नहीं करना, सिर्फ फिल करना है सर्कल के अंदर, वो बेसिकली यही कंप्यूटर के जरिए ही चेकिंग होती थी उसकी, ठीक है। इसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद स्कैनर एंड ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। स्कैनर हमें पता है टेक्स्ट या इलस्ट्रेशन जो होते हैं उनको पढ़ने के काम आता है, और ये उस तरह की इनपुट कंप्यूटर को देता है जिसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। द रेजोल्यूशन पिक्चर्स वगैरह। अब ये पिक्सल जो होते हैं बेटा, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये छोटे 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 पॉइंट होते हैं जो मिलकर किसी भी तस्वीर को बनाते हैं। हम कहते हैं जी ये 1080 पिक्सल है, ये क्या कहते हैं 2040 पिक्सल है, 4K है, 4000 पिक्सल होते हैं उसमें। तो ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो हमारे सामने स्क्रीन है। अब ये देखिए कि इसको आप बड़ा करते जाए करते जाए पढ़ना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। अगर ये स्क्रीन है अब हमारे सामने, मैं आपको बताऊं ये स्क्रीन है, इसको जो हमारी माइक्रोस्कोप होती है उससे जूम करेंगे तो ये सिर्फ 3 रंग आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे 3 रंग होंगे, ब्लू ग्रीन एंड रेड, 3 रंग होंगे, मतलब छोटे 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 3 पॉइंट होंगे। जब हम इसको जूम आउट करते हैं तो हमारे सामने ये पूरी एक पिक्चर बन जाती है, वो पिक्सल कहलाते हैं। लिहाजा वो स्कैनर के ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मली कि कितनी अच्छी तस्वीर लेनी है, किस रेजोल्यूशन में लेनी है, उसको पिक्सल कहा जाता है। एंड माइक ट्रैक बॉल एंड सिमिलर डिवाइसेस, हमें पता है माइक क्या होता है, ये माइक क्या होता है, ऑडियो इनपुट होती है। अच्छा, उसके बाद ट्रैक बॉल्स एंड सिमिलर डिवाइसेस। ट्रैक बॉल्स क्या होती है बेटा, हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस विद इंटरनल सेंसर जो होते हैं, ये माउस इसके अंदर लाइट है बेसिकली, ऐसी बात है, ये जब हम यूज करते हैं तो ये लाइट जो है वो बेसिकली सिग्नल दे रही है। आपने वो माउस देखी है जिसके अंदर बॉल होती थी, उसके अंदर क्या होता था, बॉल की मूवमेंट को सेंसर चेक करता होता था। आपने कभी वो माउस देखा जो इस तरह पड़ा होता था उल्टा, और यहाँ पे बॉल होती थी और उंगली से उसको रोटेट करते थे, वो बेसिकली ट्रैक बॉल होती थी। वो यहाँ पे हम क्या करना पड़ता है, हमें माउस मूव करना पड़ता है। उसमें क्या होता था, माउस मूव नहीं करते थे, एक बॉल होती थी, माउस इसी तरह पड़ा होता था, यहाँ पे बॉल होती थी, हम उसको मूव करते थे और उसकी मूवमेंट से कर्सर मूव होता था, उसको ट्रैक बॉल कहा जाता है। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद वॉइस डेटा एंट्री। वॉइस डेटा एंट्री क्या है बेटा, कोई भी इस तरह के डिवाइसेस जिसके जो वॉइस इनपुट ले, वॉइस के जरिए डाटा एंट्री ले, उसको वॉइस डाटा एंट्री कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारा माइक जो है किस्म का, ये भी, तो ये क्या है, मैनी कंप्यूटर कैन नो एक्सेप्ट वॉइस इनपुट या माइक्रोफोन एंड वॉइस डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर। तो ये देखो, हमने कंप्यूटर में हम इसे बोल रहे हैं माइक में, आपके ख्याल में क्या माइक के अंदर ऐसी कौन सी चीजें जो आवाज उसको वहां पर पहुंचा रही है? देखो इसके अंदर क्या कोई चीज ऐसी है जो हमारी आवाज को प्रोसेस करके उधर भेज रही है? कंप्यूटर के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो यहां से इनपुट ले रही है? मतलब मैं बोल रहा हूं माइक में और कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, कंप्यूटर खुद ही हमारी वॉइस ले रहा है। ऑडियो कार्ड होते हैं बेटा, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस होती है अंदर, इसके सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी वॉइस इनपुट को लेके उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में लाते हैं। जब हम इसकी वीडियो देख रहे होंगे तो उसके अंदर क्या होगा,
वो नजर आ रहा होगा, वो हमारी आवाज उसके अंदर क्लियर चल रही होगी। इसको कहा जाता है वॉइस डेटा एंट्री, वीडीई सॉफ्टवेयर होते हैं जो माइक या किसी भी इस तरह के जो डिवाइसेस होती हैं उससे इनपुट लेके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह बारकोड एंड क्यूआर कोड स्कैनर, ये क्या होते हैं बेटा, हमने देखा हुआ है बारकोड लाइनें होती हैं छोटी 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 छोटी, मैंने आपको कहा भी था कि कोई स्कैन करना यार कोई मिल जाए तो। क्यूआर कोड क्या होता है, वो ये बॉक्स जो भी हमारे सामने व्हाट्सएप का खुला है, ये हमारे सामने क्यूआर कोड हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। ये क्या होते हैं बेटा, एक किस्म की ये भी डाटा एंट्री इनपुट के लिए यूज होते हैं। बारकोड का सबसे बेहतरीन और कॉमन यूज जो हमने देखा हुआ है वो गवर्नमेंट बेकरियों के ऊपर आप सबने देखा हुआ है कि उनकी हर जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक बारकोड लगा होता है जिसको वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। एंड देन इसके अलावा कुछ भी वो नहीं करते, स्कैन करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वो खुद उठा लेता है। वो जस्ट क्या करते हैं, जो हमने उसको अमाउंट दी होती है वो इनपुट करता है और उसके बदले में बैलेंसेस वगैरह जिसको कैलकुलेटर यूज कर रहा होता है वो हमें दे देता है, जितना कि हमारा बकाया बच रहा होता है उसको बारकोड कहा जाता है। जबकि ये क्यूआर कोड है, अब ये लाइनें जो अंदर इसके कीड़े मकोड़े हैं ना बेटा, बेसिकली ये नंबर्स हैं। अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद ये शफल हो जाएगा, अब इसको जरा देखें थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएगा। ये लाइनें ऐसी नहीं है कि हर किसी की एक ही तरह की होंगी, दुनिया के अंदर जितने क्यूआर कोड होंगे उन सब के अंदर ये लाइनें डिफरेंट है, किसी एक क्यूआर कोड के अंदर भी सिमिलर लाइनें नहीं। जैसे जैसे हमारे फिंगरप्रिंट, तो ये क्या है बेटा, ये चेंज हुआ है मेरे ख्याल में, शफल हुआ है। तो क्या होता है ये बेटा, इसके अंदर डिजिट्स होते हैं, डिजिट की फॉर्म में फिगर होती हैं। क्यूआर कोड क्रिएट हो सकते हैं आराम से, एक्सेल के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, एक्सेल हमें क्यूआर कोड क्रिएट करके देता है। अब क्या होता है, जब मैं इसको व्हाट्सएप को स्कैन करूंगा इसके साथ तो क्या होगा, देखो मैंने इसको स्कैन किया, इससे क्या होगा, व्हाट्सएप को क्या पता चला, ये देखें अब ये स्कैन हुआ है, ठीक है, ये क्या लोड कर रहा है, मतलब उसने इस गंदी माड़ी सी तस्वीर को देख के क्या अंदाजा लगाया वो किधर जा रहा है। इस क्यूआर कोड के अंदर वो लिंक मौजूद है, वो लिंक मौजूद है या वो कोड्स मौजूद हैं जो इसको एक्सेस दे रहे हैं इस कंप्यूटर के साथ यूज करने के लिए। मतलब जैसे ही मैंने इसको इसके साथ स्कैन किया उसके अंदर एक लिंक मौजूद था, वो लिंक जैसे ही मेरे व्हाट्सएप ने उठाया उसने सिग्नल दिया मेरे कंप्यूटर सिस्टम को कि भाई ये डिवाइस वही है जिसका व्हाट्सएप आपने ओपन कर, मेरे उस लिंक के साथ जितनी भी चैट्स मौजूद हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो क्या है कि ये बेटा बारकोड या क्यूआर कोड क्या होते हैं, ये डिजिट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेव होती है हमारी, मौजूद होती है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को या किसी भी सिस्टम को इनपुट देते हैं। अभी हमने क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल को इनपुट प्रोवाइड किया, तो आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर से आपने क्यूआर कोड रीडर या बार कोड स्कैनर जो है उसको डाउनलोड करना है, एंड इसके बाद घर में मौजूद तमाम चीजों को स्कैन करना है जिस जिसके ऊपर भी मौजूद है, चाहे वो टूथपेस्ट की डब्बी है चाहे वो खाने पीने का कोई चीज है, और फिर देखना है कि उस इंफॉर्मेशन निकलती क्या है, वो जो वेबसाइट का लिंक कुछ में आएगा कुछ में उसकी एक्सपायरी डेट आएगी, आप गवर्नमेंट वालों के जो कोई लिए के ना चीज आज उसको स्कैन करके देखिएगा कि क्या इंफॉर्मेशन उस बारकोड के अंदर मौजूद है, ठीक है। आज आपने ये काम करना है बस। अच्छा जी, उसके बाद क्यूआर कोड मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, टू डायमेंशनल होता है। बारकोड ईपीओस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल विच इज नॉर्मली इंटीग्रेटेड विद बारकोड रीडर। ईपीओस क्या होता है बेटा, जिस वक्त आप सेल करते हैं उसी वक्त ही उसको रिकॉर्ड करना है। हमने पढ़ा था कि डाटा एंट्री दो तरह से होती है, एक तो यह कि हम मैनुअली डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है हम उसको मैनुअली कंप्यूटर के अंदर दर्ज कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर लिख रहे हो जी ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है, ये अमाउंट है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि हम बारकोड के अंदर ही वो चीजें लिख के रख दें, बारकोड को इन्फॉर्मेशन दे दें, जस्ट हम स्कैन करें उसकी वो सेल भी रिकॉर्ड हो जाए। सेल की एंट्री क्या होती है बच्चा, हाँ रिसीवेबल डेबिट होता है या कैश डेबिट होता है इसके। अच्छा एक बात बताओ, जब एक सेल की एंट्री होती है तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं। हाँ जी, सेल की, जब हमने एक सेल की, कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, छोड़ दो आप जनरल बताओ,
क्रेडिट कर लो और प्रॉफिट एंड लॉस तो उसी से ही बनता है ना, और कौन सा अकाउंट हीट होगा? क्यों भाई, इन्वेंटरी अपडेट नहीं होनी, सेल हुई है इन्वेंटरी कम नहीं होगी आपकी, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बढ़ेगी आपकी, सही? जब भी कोई सेल होती है तो चार अकाउंट जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो लिहाजा एक तरीका कार तो ये है कि जब मैं सेल करूं पहले बैठ के मैं चारों एंट्रियां पास करूं, दूसरा तरीका ये है कि ये सारा कुछ ईआरपी के थ्रू करूं, जस्ट मैं उसका बारकोड स्कैनर करूं, सेल खुद पास हो जाए, रिसीवेबल खुद अपडेट हो जाए, इन्वेंट्री खुद उसकी कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ सेल खुद उसकी बढ़ जाए और उसी वक्त प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे सामने रेडी हो जाए, ठीक है? तो सेल रिकॉर्ड करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको ईपीओएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। ये एक सिस्टम होता है जो बाकायदा सेल्स रिकॉर्ड करता है। गवर्नमेंट ने अब इसको पाबंद कर दिया है तमाम रिटेलर्स को कि भैया आपने ये इलेक्ट्रॉनिक सेल रिकॉर्डर यूज करना है, मैनुअल सेल आप नहीं कर सकते। तो अब हमें अक्सर नजर आता है कि जहां पे भी जाते हैं तो एक छोटी सी पर्ची निकलती है, ये रजिस्टर होता है जिसके अंदर से वो छोटी सी पर्ची निकाल देता है, बटन दबाता है, नीचे से वो खुलता है, बकाया भी निकाल के देता है। वो बेसिकली ईपीओएस होते हैं, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड और लेजर मेंटेन हो रहे होते हैं, ठीक है? डिजिटल कैमराज क्या होते हैं बेटा, हम सबको पता है कि ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। किस तरह के इनपुट देते हैं, ये आउटपुट नहीं इनपुट, पिक्टोरियल या वीडियो की फॉर्म के अंदर ये इनपुट प्रोवाइड करते हैं। कैमराज आउटपुट नहीं देते होते, ये इनपुट देते होते हैं। बेनिफिट और नुकसान देख लेते हैं। कीबोर्ड्स बेनिफिट क्या है, कॉमन सिंपल एंड चीप। लिमिटेशन क्या है, लेबर इंटेंसिव। नंबर वन भैया आपको पहले तो कीबोर्ड यूज करना आना चाहिए, आपके टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे प्रोन टू एरर है, स्लो है। प्रोन टू एरर मतलब इसके अंदर गलती के बहुत चांसेस होते हैं। मैं अगर दो सेंटेंस लिखूं तो डेढ़ सेंटेंस गलत ही निकलता है, बल्कि बाजू का तो दो में से ढाई गलत निकल आते हैं, ठीक है? तो लिहाजा इसके ये नुकसान आते हैं। इस तरह टच सेंसिटिव स्क्रीन, सेव स्पेस, इंटीग्रेटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह, मतलब प्यारा सा यूजर फेस होता है, आपकी स्पेस कम होती है, अलग से कीबोर्ड लगाना नहीं है, जस्ट एक स्क्रीन है। नुकसान क्या होता है, कैन बी डिफिकल्ट टू ग्रास्प द टेक्निक्स फॉर एक्यूरेट डेटा एंट्री। कि इस कीबोर्ड पे टाइपिंग आसान है, जो टच वाला मोबाइल वाला उस पे आसान है, टच वाले पे आपको आसान लगती है, मुझे इस पे ज्यादा आसान लगती है, उसमें तो मेरे एक अंगूठे के नीचे चार बटन इकट्ठे आ जाते हैं और एक हाथ से करना होता है, आपकी लिमिटेशन आप जस्ट अंगूठे से कर रहे हो, यहाँ पे आप सारी उंगलियां एट टाइम यूज कर सकते हो। तो लिहाजा क्या होता है कि मुश्किल होता है नॉर्मली उसके अंदर आप उसकी टेक्निक्स वगैरह को यूज करना, डेटा एंट्री स्लो होती है, लेबर इंटेंसिव है ये भी, और एक्सपेंसिव है, ये महंगा होता है। टच स्क्रीन वाला जो है ये सस्ता नहीं है। मैग्नेटिक इनकरेक्ट रिकग्निशन क्या होता है, स्पीड एंड एक्यूरेट, फौरन बस पेज को उसने स्कैन करना है, सारा कुछ उसने निकाल के फौरन कर लेना है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट एक्सपेंसिव है। क्यों, मैग्नेटिक इंक जो है वो काफी महंगी है, वो कोई इस तरह तो नहीं है ना, वो हम जाके 10 रुपए वाली डब्बी लेते थे, किसकी नफीस वालों की आती थी, वो लेते थे और उसमें से पेन भर के, ये वो आम इंक नहीं होती, मैग्नेटिक इंक होती है और ये काफी महंगी डॉक्यूमेंट होती है। इसको प्रोड्यूस करना आम पेज के ऊपर ये यूज भी नहीं हो सकती, पेज भी इसके लिए स्पेसिफिक ही होता है। ओएमआर क्या होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी है। ओएमआर डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, ऑल्सो रिस्क ऑफ स्पॉइल्ड, कि भाई आपने अगर थोड़ा सा भी गलत निशान लगा दिया तो वो क्या करेगा, नहीं उठाएगा या गलत उठा सकता है, आपको खाने के अंदर ही फील करना होता है, बाहर निकल गई आप एक से ज्यादा फील कर देते हो तो वो पूरे का पूरा रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह स्कैनर एंड ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन क्या होता है, एक्सीलेंट फॉर इनपुट ग्राफिक एंड टेक्स्ट क्विकली, ये उसके लिए यूज होता है। कैन बी स्लो टू स्कैन मल्टीपल इमेजेस, हाँ ये बहुत स्लो होता है, बड़ा टाइम लगता है स्कैनर पे चीज को स्कैन करना, ऐसा नहीं होता कि आप फौरन करते जाओ, काफी कुछ इसके अंदर। फाइल साइज माइट बी लार्ज फॉर एवरी वेरी हाई क्वालिटी सेकंड्स वगैरह, कि अगर आप पिक्चर जो है वो अच्छी लेना चाहते हो तो ये पिक्चर 20-30 MB की होती है और ये बड़ा हैवी साइज होता है, हमें तो लगता है 20-25 MB कुछ नहीं है। आप जरा सोचें उस कंपनी के बारे में जिसकी मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, इस तरह की मिलियंस ऑफ इनवाइसिस जिसने स्कैन करनी है और वो 50 MB की एक 20 MB की इनवाइसिस हो तो आप फेसबुक का सर्वर ही ले लें। OCR कैन बी समवट इनएक्यूरेट इफ इनपुट इमेज इज लो क्वालिटी, कि भाई क्या होता है, अच्छा बाजूकात ये होता है कि ये यूज होते हैं हमारे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होते हैं। हम स्कैन करते हैं इस इमेज को और हम कहते हैं कि इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट मौजूद है उसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्म में लेके आओ। अगर इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो टेक्स्ट प्रॉपर नहीं उठाता, एडिटेबल फॉर्म में नहीं आता। इसी तरह माइक एंड ट्राइपॉड डिवाइसेस इजी टू यूज एंड वेरी कॉमन, स्लो, कैंट बी प्रोन टू एरर, आपके सामने होता है कि हम कहीं पे क्लिक कर रहे हो तो कहीं पे बाजूकात क्या होता है, जब हम खासतौर पर ये इधर से वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू वीडियोज वगैरह में आते हैं, जब इसमें से
मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे गए हैं, एक वीडियो है, मैंने उसके अंदर कुछ करना है, और ये जिस तरह ये है, अब यहाँ से जाके हमें सिलेक्ट करना है, किधर गया, ये आपके सामने ये गलती होगी फिर से मैंने कुछ और ही ओपन कर लिया, देखो क्या हो रहा है भाई, आपके सामने इसके नुकसान नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली स्लो चीज है, स्लो मूवमेंट है, जब आप खासतौर पर एक्सेल सीखे के आगे जाके फॉर्म के अंदर, तो हमारी क्या आदत होती है, हम माउस के जरिए जाके टिक कर रहे होते हैं या सेल सिलेक्ट कर रहे होते हैं, और आपका मैनेजर जो है वो आपको अच्छी खासी सुनाएगा इस चीज के ऊपर कि भाई शॉर्ट कीज यूज करो, कीबोर्ड यूज करो, आप माउस यूज नहीं करो। मेरा मैनेजर कहता था कि माउस नो हाथ नहीं लाना, लेकिन मैं फिर भी कभी बाज नहीं आया था, और उसका मुझे फायदा इस वजह से आज तक नहीं हुआ। अच्छा, वॉइस डेड एंट्री कन्वीनियंट एंड सिंपल होता है, कैन बी इनएक्यूरेट, नुकसान क्या इनएक्यूरेट होता है, और एक्सटर्नल इंटरफेस इसमें आ जाता है, नॉइज वगैरह का इसके अंदर आने का खतरा होता है, आप पंखा चला के जिससे कि भी पंखा चला के लेक्चर हो तो बहुत डिस्टॉर्शन होगा, आपको प्रॉपर आवाज नहीं जाएगी, वो इसके अंदर इशू आता है। इसी तरह अगला क्या है, बारकोड एंड ईपीओस वेरी कॉमन, एक्यूरेट क्विक, डैमेज्ड बारकोड आर इम्पॉसिबल टू रीड, भाई अगर बार कोड डैमेज हो गया या आपने उसके ऊपर कोई लीकेज के मार दिया तो वो दोबारा फिर रीड नहीं हो सकता, एंड अगर उसका बैकअप मौजूद नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन परमानेंटली लॉस्ट हो जाती है। डिजिटल कैमराज वर्सटाइल क्विक एक्यूरेट, वाइड वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह वगैरह वगैरह, हायर क्वालिटी मींस लार्ज फाइल साइज व्हिच कैन बी बिकम एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। तो ये उसके नुकसान हैं, किसके, इनपुट डिवाइसेस के फायदे और नुकसान देख लिए, क्लियर है बच्चा। चलें जी, कल हम इंशाल्लाह आउटपुट डिवाइस सारी करेंगे, और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हम तकरीबन कल काफी हद तक खींच लेंगे, की एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हम इंशाल्लाह परसों करेंगे, तो अगले 2 या 3 दिन में हम ये चैप्टर कंप्लीट इंशाल्लाह खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चा। ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह हाफिज़।